बादाम का शरबत बनाने के लिए हम 150 ग्राम भिगोकर छीले हुए बादामों को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बारीक पीस लेंगे। शरबत के लिए 600 ग्राम चीनी में 2 कप पानी डालकर चीनी घुलने तक चाशनी को पकाएंगे। हमारी चीनी घुल चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे एक नींबू का रस और एक उबाल आने के बाद चाशनी में बादाम का पेस्ट मिक्स करेंगे। अब इसमें पहले से भिगोए हुए 25-30 केसर के धागे डालेंगे और अपने शरबत को 4-5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 4-5 मिनट हो चुके हैं, शरबत के अंदर एक अच्छा उबाल आ गया है। शरबत को एक बाउल के अंदर निकालेंगे और अच्छी खुशबू के लिए इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। आप बादाम के शरबत को 10-12 दिन तक फ्रिज में रखकर यूज कर सकते हैं। सर्विंग के लिए एक ग्लास में डालेंगे 4-5 आइस क्यूब्स, 2 बड़े चम्मच बादाम का शरबत,